अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कई इलाकों को कर्फ्यू क्षेत्र घोषित किया गया है। इन इलाकों में एडीएम ने राहत प्रदान करते हुए व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति दी, लेकिन व्यापारियों को एक दिन छोड़कर एक दिन दुकानें अपनी खोलनी पड़ेगी। इसी को लेकर सभी व्यापारियों ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन और पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता के साथ में एडीएम से मुलाकात की और साथ ही में बताया गया कि एक दिन छोड़कर एक दिन दुकान खोलने से व्यापारियों को नुकसान होगा, इसके लिए सभी को एक साथ दुकान खोलने की अनुमति दी जाए और इस पर एडीएम ने जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं व्यापारियों ने बुधवार को बाजार भी बंद रखे। अजमेर के जो व्यापारी अभी कर्फ्यू क्षेत्र में थे, लगभग 55 दिन बाद इनकी दुकानें खोलने के जो है आदेश जिला प्रशासन ने दिए, उसके तहत इनके साथ जो है ऑड इवन वाला सिस्टम से दुकानें खोलने की इनसे बात पुलिस प्रशासन ने की थी, जिसका इन लोगों ने अपनी सहमति जाहिर नहीं की। उस पर ये जिलाधीश महोदय से यहाँ मिलना है। जिलाधीश महोदय की अनुपस्थिति के अंदर यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब से यहाँ वार्ता हुई है। व्यापारिक संघ के हमारे जो प्रतिनिधि मिले और हमारे अजमेर के हमारे जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, प्रदेश कांग्रेस के अंदर सचिव महेंद्र सिंह जी रलावता था, हमें स्वयं हमने अभी वार्ता की 5 जनों ने मिलकर, तो उसमें हमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासित किया कि जो कुछ होगा पूरे शहर में एक समानता होगी। हम एडीएम सिटी साहब से मिले, उनसे बाजार खोलने के बारे में चर्चा की गई। ऑड इवन का जो फार्मूला प्रशासन ने हमको दिया है वो सभी व्यापारियों को मंजूर नहीं है। इस संबंध में उनसे वार्ता करी, उन्होंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करके शीघ्र ही निर्णय लेने की बात कही है इस बारे में और प्रयास है पूरे।